मैं दरख्वास्त करूँगा सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब मोहम्मद शोएब बट साहब से कि डाइट पर तशरीफ़ लाएँ और आज की मीटिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। जनाब शोएब बट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले मुझे हाउस से एजेंडा पॉइंट्स की मंजूरी दरकार होगी। अच्छा जी, हेलो हेलो। गुज़श्ता सालाना जनरल अजलास जो मुनक़्क़द हुआ था 30 सितम्बर 2021 की कार्रवाई के लिए मैं गुज़श्ता साल सालाना जनरल अजलास की कार्रवाई हाउस के सामने पेश कर मंजूर करते हैं। अजलास में आदत शुदा हिसाब बराए साल 2021-2022 की तफसीलात मंजूरी के लिए पेश कर रहा हूँ, आप इसे मंजूर करते हैं। आइंदा साल के लिए चैम्बर में शफाकत अली बुटर मैसर चौधरी शफाकत अली एंड कंपनी गुजरांवाला के ऑडिटर मुकर्रर करने की तजवीज़ आई है, क्या आप इसे मंजूर करते हैं? दीगर अमूर में हमने पॉइंट रखा है कि इस साल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं आप उसकी मंजूरी देते हैं। बहुत शुक्रिया। फैक्टर साहब आएँ, इसको आगे बढ़ाएँ। मैं मेंबर इलेक्शन कमीशन जनाब मोहम्मद असलम साहब को दावत देता हूँ, स्टेज पर आएँ और इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें ये इलेक्शन पुरअमन तौर पर मुनक़्क़द करने का हमें जो नवाजा। दूसरा, मैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेम्बरान का ख़ास तौर पर शुक्रगुजार जिन्होंने भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपने पसंद के लोगों को वोट दिया। ये इलेक्शन पुरअमन तौर पर शायद कभी भी नामुमकिन हो सकता जब तक दोनों ग्रुपों के लीडरान, खुसूसी तौर पर मैं वन यूनिटी के ग्रुप के लीडरान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हर मौके पर तहम्मुल का मजारा किया और इस इलेक्शन को पुरअमन कराने में हमारी मदद की। और यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी सिक्योरिटी के जो अदारे हैं, खासतौर पर SSP, SP और DSP साहबान जिन्होंने इतने दिन हमारे साथ पूरी तरह ड्यूटी दी और इलेक्शन को पुरअमन करवाने में हमारी पूरी तरह मदद की। और अपने मीडिया के लोगों का जिन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया और इलेक्शन को हर तरीके से कवर किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शेड्यूल के मुताबिक आज ऑफिशियली जो है नतीजा अनाउंस करने का दिन है, तो मैं अभी आपके सामने जो जो मुंतखब हुए हैं उनके नाम लूँगा। अगर अच्छा चले, जिनका भी मैं एग्जेक्टिव के जो इलेक्ट हुए हैं नाम लूँगा, वो यहाँ पर तशरीफ एक मिनट के लिए लाएंगे ताकि सबके सामने आ जाए। कॉर्पोरेट क्लास से जो इलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले हमेश गुलजार मुग़ल साहब और उमर परवेज जम्मू वाले, शेख हालत तनवीर, शेख मोहम्मद नईम, उस्मान यूनस कुरैशी, अख्तर अली खान, मलिक मोहम्मद मर्दान और शेख अरफात इकराम। एसोसिएट क्लास से जो मुंतखब हुए हैं, अताफ बरी चौधरी, सफर इकबाल डार, कमर दिलबर इंसारी, ख्वाजा उमर फारूक, फरहान सईद भट्टी, राना मोहम्मद असलम और जवाद अहमद भट्ट। और ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर जो हमारी बहन मुंतखब हुई हैं, उनका नाम है दरखशां इमरान, जबकि ऑफिस बेयर के लिए जो मुंतखब हुए हैं, सदर के लिए जनाब ज़ियाउल्लाह अलमरू, फैसल अयूब, सीनियर नायब सदर के लिए जनाब हमेश गुलजार मुग़ल, और नायब सदर के लिए जनाब आदिल नदीम अंसारी। अनाउंसमेंट के बाद इस साल 2022-23 का इलेक्शन का शेड्यूल मुकम्मल हो गया। सब दोस्तों से इलेक्शन जो भी होता है, कुछ तलखियाँ हो जाती हैं, कुछ एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ बोला भी जाता है। आज गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन मुकम्मल हो गया। मैं सब दोस्तों से, सब ग्रुपों से गुजारिश करूँगा, ये गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबका है। एक साल के लिए हम सबको एक मिल के काम करना चाहिए ताकि गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत हो सके। आप सबका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। अब मैं माइक स्पर्श करता हूँ जनाब इरफान सेन साहब को, ढाई सौ तशरीफ लाएँ और बकाया मीटिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। अच्छा, एक जो है बशारत शगीर बट साहब जो हमारे इलेक्शन कमीशन का हिस्सा हैं, उनके भाई की जो है ना डेथ हो गई है, जिसकी वजह से वो आज तशरीफ नहीं ला सके। और बाकी मैं इलेक्शन कमीशन का ख़ास तौर पर ख्वाजा साइम साइन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस इलेक्शन को करवाने में बहुत मेहनत की, लिहाजा इन सब का शुक्रिया। अच्छा, अभी मीटिंग की हमारा इजलास मुकम्मल हो चुका है। अब जो मीटिंग की गैर रस्मी कार्रवाई है वो अब आगे बढ़ाएंगे। 501 साल से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि डायरेक्टर तशरीफ लाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान, स्टेज पर बैठे कायदीन, हॉल में बैठे हुए हमारे वन यूनिटी ग्रुप के कायदीन, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, आज जुमातुल मुबारक की वजह से हम अपनी CAGM को काफ़ी मुख्तसर कर रहे हैं, क्योंकि जुमे का वक़्त में थोड़ा वक़्त रह गया है जुमे की नमाज में, तो इस सिलसिले में हमने इसको इख्तिसार करते हुए आपके सामने ऑफिशियल रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर साल गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुजारा और बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत की, मैं उनसे गुजारिश करूंगा शोएब बट साहब से कि वो आएँ और अपने टेनोर की कारकर्दगी हाजिर को बताएं। शोएब बट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद कायदीन वन यूनिटी ग्रुप, नौ मुंतखब सदर जनाब ज़ियाउल हक साहब, नौ मुंतखब सीनियर नायब सदर जनाब हमेश गुलजार साहब, नौ मुंतखब नायब सदर जनाब आदिल नदीम अंसारी साहब, नौ मुंतखब अरकान मजलिस आमला प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मौजूद हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। शुरू में ही एक शेर लिख के दे दिया है मलिक साहब की इजाज़त के साथ, मंजिल से आगे बढ़ कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया और समुंदर को तलाश कर। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से मैं शुरू करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो मेरे मुअज़्ज़ज़ीन यहाँ पे बैठे हैं और जितने हमारे लोगों ने हमें वोट किया और जो हम लोगों ने पिछले साल कारकर्दगी इस साल आपके सामने रखी और जिस तरह हमने ये सारे काम किए, आप उसको कोशिश की। और मैं समझता हूं कि ये सब मेरे सीनियर्स के और चैम्बर के स्टाफ से मुमकिन हुआ। सरकार है उनकी जो इतनी मेहनत थी, जो पिछले साल के थे प्रोजेक्ट, जैसे उमर अशरफ ने शुरू करा के गया था, उसको हमने आगे बढ़ाया। और अब मेरे दौर की सदारत में भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए। इसमें हमने वफाकी बजट इम्पोर्ट पॉलिसी इंडस्ट्री पॉलिसी की तैयारी के लिए अपनी तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भेजी। ये जो बिजली जो फिक्स MDI लग के आ रही है उस पर हमने आवाज़ उठाई, इंशाल्लाह उस पर भी बेहतरीन का सिलसिला चल रहा है। हम लोगों ने टैक्सेस जो फिक्स टैक्स आपको लग के आ रहे थे उस पर आवाज़ उठाई, उससे गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। हम लोगों ने चौंक जब तक मीडिया में नहीं आते और हम लोग TV के ऊपर चीज़ें नहीं लेके आते तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो लोगों दोस्तों तक नहीं पहुंचती। तो हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि अखबारात TV में प्रोग्रामों में शिरकत करें और इधर अपनी आवाज़ उठाएं ताकि गवर्नमेंट और पूरी जो बिज़नेस कम्यूनिटी हमारे अलावा जो बाकी शहरों की बिज़नेस कम्यूनिटी है उसकी आवाज़ भी हम लोग उनके सामने हम लोग आए। और हमने वो जो मैंने आगे आपका जिक्र किया वो जो बेजा टैक्सेस थे जो गवर्नमेंट को विड्रॉ करने पड़े वो पूरे पाकिस्तान के लिए थे, लेकिन वो आवाज़ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उठाई गई। जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट था जो 300 यूनिट से गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया वो भी हमारे ही चैम्बर से आवाज़ उठाई गई थी। और जो खसूसन मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि बहुत कम वक्त में लाहौर में मेडल गुजरांवाला की सनकी नुमाइश का हमने इनकार किया जिससे गुजरांवाला बिजनेस कम्यूनिटी ने खसूसन और पूरे पाकिस्तान ने बड़ा सराहा और जिस तरह उसकी पब्लिसिटी हुई, जिस तरह से एडवर्टाइज़ किया गया, मैं उसके लिए अपने स्टाफ का और खसूसन उमर अशरफ साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ, अखलाक अहमद भट्ट साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है बहुत सारी रुकावटों के बावजूद इसको मुमकिन बनाया। मैं जिसकी गहराई साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मेरे साथ मेरी बाकी ज़िंदगी तक रहेगा ये, लेकिन इसके असल जो क्रेडिट है वो आप लोगों को जाता है और जो मेरा स्टाफ है बुरहान साहब और आपकी सारी टीम को जाता है। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की सालाना डायरी बराए साल 2022 की तैयारी हमने करवाई जिसे तमाम गैर मुल्की सफारतखानों मिनिस्ट्रियों और दीगर अहम हुकूमती इदारों को भेजा ताकि गुजरांवाला में क्या क्या बन रहा है, गुजरांवाला की क्या एक्टिविटीज़ हैं उन तक पहुँचे। गुजरांवाला की मेटल इंडस्ट्री के लिए मटीरियल टेस्टिंग लैब जो कि अलहमदुलिल्लाह हमारी काबूसों से पंजाब तकनीसी बड़े रिजनल चैनल के लिए MP का दर्जा हासिल किया गया। दीगर चैनल MP के हासिल करने के लिए काफ़ी अच्छे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ भी अलहमदुलिल्लाह मुझे मेरी टीम को जाता है। मैं MP हासिल कर लिया, MP से जाने के लिए गुजरात चैनल के प्रोग्राम की सूरत के लिए हमने पंजाब लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ मिलकर हफ्ते रखा है। वो गाड़ी यहाँ पे आती है, आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी का आप लोग यहाँ से फर्दे वगैरह हासिल कर सकते हैं। गुजरांवाला चिल्ड्रन हॉस्पिटल के क्याम की मंजूरी और AD में भी इसके सरसूख के लिए हमने कोशिश की। मोटरवे गुजरांवाला लिंक जो है उसकी कावश इंशाल्लाह हमने जो की है वो बहुत जल्द आपको नज़र आएगा। उमर अभी भी इस पर कोशिश कर रहा है, हमने भी अपने पूरे साल में की, ये बहुत जल्द आपको नज़र आएगा और ये इंशाल्लाह इस साल में ज़रूर ये मुकम्मल हो जाएगा। गुजरांवाला की बिजनेस कम्यूनिटी की ख्वाहिश के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर ग्रीन लाइन की स्टॉप की मंजूरी, गुजरांवाला की बिजनेस कम्यूनिटी की जरीना मुतालबा था यूनिट गुजरांवाला, उसकी मंजूरी के लिए हमने आवाज़ उठाई। वो गवर्नमेंट की जो टॉपर होती रही उससे मसला आ गया अभी, लेकिन वो मंजूर हो चुकी है, इंशाल्लाह वो बनने जा रही है। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की तैनाती करवाई गई, अस्पताल की अपग्रेडेशन कराई गई, AC और दूसरी आलात ज़रूरी आलात हमने लगवा के दिए। बिजनेस कम्यूनिटी के बच्चों की तलीमी सहूलियात को पूरा करने के लिए लखता स्कूल से हमने MOU साइन किया जिसकी बदौलत बिजनेस कम्यूनिटी के बच्चों के अखराजात में खसूसी डिस्काउंट लेके दी। इसके अलावा गिफ्ट यूनिवर्सिटी के साथ हमने MOU साइन किया, बच्चों को इंटर्नशिप के लिए गुजरांवाला में प्रॉपर माहौल दिया। बतौर सदर गुजरांवाला चैम्बर मैंने बिजनेस कम्यूनिटी के लिए अनगिनत गैपकों के जो मसाइल थे दोस्तों के उनको हल करवा के दिया। राइस सेक्टर को सन इंडस्ट्री का दर्जा दिलाने के लिए अहम पेशकश कर ली गई है, हमारी की गई वर्किंग बहुत जल्द गुजरांवाला बिजनेस कम्यूनिटी के लिए दरीना मुतालबा को पूरा करेगी। आमिर जी साहब ये आपके लिए खुशखबरी है, आपके पूरे सेक्टर के लिए। पूरे साल में तकरीबन 25 के मुख्तलिफ करीब हमने सेमिनार वर्कशॉप का अहतमाम किया जिसकी बिजनेस कम्यूनिटी को दूरदराज से इंशाल्लाह नतायज हासिल होंगे। मेटल स्क्रैप से वाबस्ता हमारा शहर जो है मेटल सिटी है तो उसके वाबस्ता मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड का मसला था और बहुत सारे मसाइल थे वो हमने हल किए। उसके लिए अखलाक भट्ट साहब, मलिक जैर साहब, अली माहू भट्ट साहब ये मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहे और हम लोग जिधर भी जाना पड़ा कराची, इस्लामाबाद, लाहौर बेशुमार चक्कर लगाए, लेकिन हमने अपने शहर का वो मसला हल करवाया। तजारती सरमायाकारी के फरोग के लिए मुतलका सूबाई और वफाकी वज़रा से न सिर्फ मुलाकातें की बल्कि अभी तजावीज़ ने आगाह किया जिससे इंशाल्लाह सरमायाकारी में बेहतरीन नतायज बरामद होंगे। टैक्सों के मसाइल के हल के लिए मुद्दत बाद मुतलका अफसरान को चैम्बर में मदऊ किया, कारोबारी मसाइल का तदारक करवाया, चैम्बर में वफाकी टैक्स मौसम का काउंटर बनवाया, वफाकी टैक्स मौसम को हमने 2 दफ़ा चैम्बर बुलाया। ये सारी बातें आप लोग इसके गवाह हैं कि हम लोगों ने सारा साल बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। कोई हमने ऐसा काम नहीं किया जिसके जो वक़्त ज़ाया कर रहा हो या आपका या चैम्बर का, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त फॉरम है, इसको उसी तरह इस्तेमाल होना चाहिए था। शहर की ट्रैफिक है, आपको पता है ट्रैफिक के जो मसाइल अब पिछले दिनों में स्टार्ट हुए थे, आप देखें कितना बेहतर हो गया। हमने इसके जो कट बिला वजह बना दी गई या कुछ कट ख़त्म कर दिए गए, हमने उसे प्रॉपर तरीके से करवाया। आज अब इसकी बेहतर हो गई है और इसको मज़ीद बेहतर इंशाल्लाह बनाएंगे। शहरी कौमी व बैनुल कौमी सतह पर कारोबारी लेन देन के तनाज़ात, बेशुमार तनाज़ात है जो हमने हल कराए, और बहुत सारे ऐसे कारोबारी लेन देन हल करवाए जिनके FIR हुई थी, हमने वो वापस कराई और लोगों को बैठा के अच्छे तरीके से उनके मामला हल कराए। इसके लिए मैं आज आरिफ शरीफ साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने बड़ा इसमें मेरी मदद की इसमें, और बाकी जो मेम्बरान हैं हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के उन्होंने भी बड़ी मदद की। हमने अपनी जेब से मुराद के मेरे ग्रुप के सारे हमने जो फ्लाई काम थे उनमें हिस्सा लिया और उनके काम किए, और जिसका जेब से इसलिए इस्तेमाल किया ताकि अदारे में इसका कोई बर्डन आए। कोरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ MOU साइन किया, इंशाल्लाह इसके भी मुस्तकबिल में बड़े दूध रस नतायज सामने आएँगे। हमने UK के साथ भी MOU साइन किया, गुजरान सेंट्रल जेल का मुतलबा दौरा किया, कैदियों के मसाइल सुने और उनके लिए भी उनको टाइलें लगवा के दी, उनको वाशरूम बनवा के दिए, क्योंकि वो ऐसे माहौल में हम चाहते हैं कि वो रहे ताकि जब वो बाहर निकलें तो वो अच्छे शहरी बन सकें। रोशनी होम ट्रस्ट में ज़ेर तलीम बच्चों के लिए ग्रां कदर खिदमत सरंजाम दी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने उसके एजाज़ में, ये बिज़नेस कम्यूनिटी का एजाज़ है कि उन्होंने मुझे पैटर्न चीफ मुकर्रर किया। इंशाल्लाह रोशनी होम्स को भी मिसाली इदारा बनाएंगे। हमने स्पीड यूनिवर्सिटी के साथ भी MOU साइन किया, जिसकी बदौलत हमारी बिजनेस कम्युनिटी के बेशुमार बच्चों को स्पीड यूनिवर्सिटी से तलीमी अखराजात में खसूसी डिस्काउंट इंशाल्लाह मिलेगी। हमारे दौर में 15 से ज़्यादा गैर मुल्की सफ़ीर ने चैम्बर का विज़िट किया। हमारी एक्सपो में भी बेशुमार लोगों ने इसका जो गैर मुल्की सफ़ीर थे उन्होंने विज़िट किया। इन तमाम ममालिक ने गुजरांवाला एक्सपोर्ट को आर्डर भी दिए हैं और हमारे साथ रवाबत भी किए हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी की कारोबारी सिलसिले में मुतबार गैर मुल्की दौरों पर जाना पड़ता है हमारे बिजनेस कम्युनिटी के दोस्तों के, तो हमने उसके लिए मुख्तलिफ एयरलाइनों से MOU साइन किए। इन MOU की बदौलत आप बिजनेस कम्युनिटी एयर टिकट्स में खसूसी डिस्काउंट इंशाल्लाह हासिल कर सकेगी। इसके अलावा बेशुमार कारोबारी नुमाया सरंजाम हमने अंजाम दिए, जिसकी तफसील सालाना रिपोर्ट में शाया कर दी गई है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बिज़नेस कम्युनिटी की आप दोस्तों की मेहरबानी से जो आपने रजीम पिछले साल मुझे इलेक्ट करवा के दी थी, ये सारा आज़ाद और सारी एफर्ट जो उन्होंने की है, ये क्रेडिट भी उन्हें जाता है। जहाँ मैं एक दफ़ा फिर अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी कोशिश का अपने चैनल्स और अखबार में जगह दी और हमारी आवाज़ मुतलका ऐवानों तक पहुँचाई। मैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तमाम स्टाफ मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हर मौके पर मेरे रुका की भरपूर मदद की और चैम्बर के अमूर को बड़ी जानफानी से सर अंजाम दिया। मैं तमाम अरकान का भी ममनून हूँ जिन्होंने अपने निजी कारोबारी अवकाश के दौरान अपनी मसरूफियात और सरगर्मियों को पश्चे पुश्त डालकर अपने कीमती वक्त ऐवान सनत तजारत को दिया और इजलासों में भरपूर शिरकत की, और इस चीज़ का भी अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जो आइंदा आने वाले सदर हैं फैसल अयूब साहब, हमेश और आदिल साहब, आप इनका भी इसी तरह साथ देंगे ताकि जो है ये सिलसिला चलता रहे और खिदमत का। मैं अपनी सबका रवायत को बरकरार रखते इस साल भी चैम्बर स्टाफ के लिए एक तनख्वाह बतौर बोनस का ऐलान करता हूँ। आखिर में मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब दोस्तों से ज़्यादा चाहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ जो मेरे दोस्त इस अदारे का कलमदान संभाल रहे हैं, उन्हें अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी नसीब फरमाए। इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ खड़े होंगे और कोशिश करेंगे आपके साथ मिल के बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करें। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और एक दफ़ा मैं दिल से आप सब भाइयों का और अपने सीनियर्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत कर सकूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कोई कमी कोताही होगी हो तो मैं सबसे माजूर चाहता हूँ। ये मेरे लिए बड़ा अहम एक साल था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ और पूरी बिजनेस कम्यूनिटी को मैं शुरू करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब के कारोबार में बरकत ताब फरमाए, आपके रिज़्क़ में बरकत ताब फरमाए, आपके घर में अल्लाह ताला बरकत ताब फरमाए, खूसूसन हमारे मुल्क में हमारे शहर में अल्लाह ताला बरकत फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इलेक्शन कमीशन के जो मेरे भाई हैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंतज़ामिया का पुलिस का, इन्होंने बड़ा पुरअमन इलेक्शन कराया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सका। ये बड़ा आपको पता चला मौका होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं अब इलेक्शन 2022-23 का हुआ है, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इस इलेक्शन में गुजरांवाला की तमाम एसोसिएशंस ने हमारा भरपूर साथ दिया। हम उन तमाम एसोसिएशंस के शुक्रगुजार हैं, जिसमें मेटल की एसोसिएशन हैं, एलुमिनियम यूटेंसिल्स है, टेक्सटाइल है, सिरामिक्स है, सैनिटरी वेयर है। और अगर मेरे जहन से कोई दोस्त मिस हो गए हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला की तमाम छोटी बड़ी इंडस्ट्री ने इस इलेक्शन में हमारा साथ दिया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस इलेक्शन में हमारे वन यूटी के कायदीन, साबका सदूस, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस इलेक्शन में भरपूर साथ दिया, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अब चाहूँगा कि हमारी जो गैर रस्मी कार्रवाई है, इसमें अपने मोहतरम लीडरान से भी गुजारिश करूं कि वो हाज़रीन के साथ मुख्तसर वक्त के लिए थोड़ा सा खिताब करें। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा हमारे वन यूनिटी के कायद और शहर की मुहैयर शख्सियत जनाब इखलाक अहमद भट्ट साहब से कि वो आएँ और हाजिरी से खिताब करें। इखलाक अहमद भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इरफान साहब शुक्रिया। आज मैं शोएब भट्ट साहब को 1 साल हो गया पूरा, जब ये पिछले साल तकरीर कर रहे थे, उम्मीदें, हौसले और आइंदा लाइहमल के लिए जो पिछले वादे किए थे, मैं समझता हूँ हमारे प्रेसिडेंट उसमें सुर्खरू हुआ है, बल्कि उसने उससे बढ़कर काम किया। मैं अपने ग्रुप की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप एक मसले राह हैं और आने वाले हमारे दोस्तों के लिए भी एक मसले राह बनेंगे। वाकई जब कुछ जिम्मेदारी मिले तो उसे ऐसे तरीके से निभाना भी चाहिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे और आइंदा ज़िंदगी आपकी बेहतर गुजरे। लेकिन आप हमारे साथी हैं, हमारा एसेट हैं, इसको हम यूटिलाइज़ करते रहेंगे। आने वाला सदर शरीफ आदमी है, नहायत अच्छा बंदा है। अल्लाह ताला ने देखें जिन्होंने बनना था वो बने नहीं, और अल्लाह को जो मंजूर है वो हुआ। तो जो अल्लाह जिसको बनाएगा उसे फिर उसकी कारकर्दगी भी अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा, उसकी मदद फरमाएगा। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा नौजवान साथी हैं हमारे माशाल्लाह सदर साहब, उसके बाद बैस और हमारे नायब सदर साहब जो हैं अंसारी साहब, तीनों नए हैं। इन्होंने इससे पहले हमारी रवायत पहले होती थी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाते थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जाते, फिर प्रेसिडेंट बनाते थे। सारा ग्रुप आपको मुबारकबाद दे के निकले हम लोग। दूसरी भी जीत जाते तो आपको मुबारकबाद देते कल। मैं 2 दफ़ा आ रहा हूँ, मैं ख्वाजा साहब असलम साहब बैठे हैं, सईद साहब बैठे हैं, मियाँ आमर साहब बैठे हैं, मुबारकबाद दे के हम घर चले गए हैं, कुछ नहीं किया क्योंकि हक है, जो जीता उसका हक है तो रूल करे, अपनी पॉलिसियाँ बनाए। लेकिन पता नहीं कि कैसी मखलूक आ गई है, ये किसी और सियारे की मखलूक आ गई है कि नहीं हार के भी इख्तियार चाहिए। कानूनी जंग है, लड़ो यार, किसी ने आपको रोका नहीं है। लेकिन खराफात कहने से या बदतमीजी करने से इस तरह मसले हल नहीं होते, बिगड़ते हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश है और यही मैं चाहता हूँ कि अपोजिशन अकल के नाखुन लें, अच्छी सियासत करें, आए बिस्मिल्लाह बैठे, चैम्बर आए, मस्बत तरीके से अमल करें तो हमारे ग्रुप को कोई एतराज़ नहीं होगा। हम इस दफ़ा जो इलेक्शन लूज़ कर बैठे उसमें भी हमने आपस में जो मुशावरत की थी, इंशाल्लाह इन कमियों को भरपूर तरीके से दूर करेंगे और लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे पूरा साल इंशाल्लाह। जो एसोसिएट क्लास में हमसे कुछ गलतियां सरजद हुई, जो हमारे राब्ते भरपूर तरीके से नहीं हो सके, उसको बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला ने हमारे ग्रुप को और हमारे बंदों को ये सलाहियत दी है कि वो लोगों को कायल कर सकते हैं अपने अमल और अपने किरदार से। मैं फिर अपने ग्रुप से यही कहूँगा कि हमारी तरफ से प्लीज़, जिस तरह हम लोगों ने तहम्मल बुर्दबारी से वक़्त गुजारा है, उसी तहम्मल और बुर्दबारी से इंशाल्लाह पूरा साल रूल भी करेंगे। किसी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी मैं और नसीम साहब भी कई दफ़ा कोई एक लिमिट होती है तो वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जब वो क्रॉस हो जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है अपने आप को कंट्रोल करना। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस साल और मज़ीद अपने ग्रुप को निखारेंगे और लोगों को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। जुमे के जिस तरह इरफान साहब ने कहा कि आप मुख्तसर तकरीर करनी है, मैं भी इंशाल्लाह चंद अल्फाज बोलने के बाद नेक्स्ट स्पीकर के लिए स्पेस दे दूँगा। तो मैं अपने उन दोस्तों से, एक तो जो नए एग्जेक्टिव आए हैं, उनसे गुजारिश करूँगा पूरा टाइम दें। देखिए आप कितनी स्ट्रगल से, कितनी मेहनत से और कितने खर्चे से आप आए हैं। जो साथ उसी बड़े ही ना दे फिर फायदा की, ये रवायत तोड़े। क्योंकि हमारे यहाँ रवायत यही है कि जब लोग बन जाते हैं एग्जेक्टिव, उसके बाद शायद वो साल में 1-2-4 मीटिंगें अटेंड कर लें। मीटिंगें तो आप करें ज़रूर अटेंड, वैसे भी आप आए, चैम्बर में बैठे हैं, देखें मामला किस तरह चलते हैं। जिस तरह आज ये ऊपर 3 बैठे हैं, नेक्स्ट ईयर आप में से 3 और आएंगे ऊपर, उससे अगले साल 3 और आएंगे। तो काम तो वो करेगा जिसने कुछ सीखा है, जिसने किसी को फॉलो किया है। और मैं एक और बात कहूँगा, जो इस साल हमारे एसोसिएट क्लास के हमारे मजलिस मेंबरान जो लूज़ किया जिन्हें, वो भी भरपूर तरीके से आए, वो अपने आप को एग्जेक्टिव समझे। हम इंशाल्लाह उन्हें बेहतर कमेटियाँ देंगे, बेहतरीन उन्हें माहौल पैदा करके देंगे और वर्क करें। मेरी अपनी ज़ाती राय है, ग्रुप का जो फैसला होगा, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इंशाल्लाह आपको दोबारा अकोमोडेट किया जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप भरपूर तरीके से अमल करें, राब्ते में रहें लोगों से, ताकि इलेक्शन पर और आसानियाँ पैदा हों। मैं एक दफ़ा फिर जाने वाले हमारे भाई शेख भट्ट का बहुत मशकूर हूँ, जिस तरह उन्होंने हमें इज़्ज़त दी, लोगों को इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त से नवाजे, आपकी सेहत के लिए हम दुआ गो हैं, आने वाले हमारे भाई के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। हमेश हमारा भतीजा है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। आगे हमारे अंसारी साहब बैठे हैं, ये तो वैसे ही पॉपुलर ने, अल्लाह ने धक्के ना लिया लिया किसी और आ गए। बहरहाल किस्मत के धनी है, अल्लाह ताला इनको मुबारक करे। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से, अपने ग्रुप के जो आज हमारे मेम्बरान हैं उनसे यही कहूँगा, खुदारा लोगों से राब्ते में रहें, हमें बताएं, आपके कौशल से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि किन से कौन लोग हैं जो हमसे नाराज़ हैं, किस वजह से नाराज़ हैं, वो नाराज़गी हम दूर करेंगे। अगर हमने को कमी है तो उस कमी को दूर किया जाएगा इंशाअल्लाह, ये हमारा वादा है। और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आज यहाँ आप तशरीफ़ लाए और हमारे नए आने वाले सदर को वेलकम कहा। अल्लाह आपका हामी नासर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लाम भट्ट साहब ने बड़े भरपूर अंदाज से अपनी इलेक्शन कम्पेन, अपने आने इरादे और अपने दोस्तों के बारे में आप सबको आगाह किया। इंशाअल्लाह ताला आने वाली रजीम भी इंशाअल्लाह पिछले रजीम की तरह बिजनेस कम्युनिटी की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी। अब मैं गुजारिश करूँगा वन यूनिटी ग्रुप के चेयरमैन हमारे हरदर अजीज़ गुजरांवाला शहर की एक नामी गिरामी मुखैर शख्सियत जनाब शेख नसीम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हाज़िरीन से खिताब करें। शेख नसीम साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साबका प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट, सब मोअज़्ज़िन, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं लंबा बजट पेश नहीं करूँगा, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। ये जो बंदे अब इनकमिंग हुए हैं, इनको अल्लाह लेके आए, हम नहीं, अल्लाह की कसम लेके आए। ये मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह ने इनको चूज़ किया, हमने किसी ने चूज़ नहीं किया। आगे उनकी बारी, ले गए, कोई बात नहीं, फिक्र वाली कोई बात नहीं। चाहिए कि ये हर बंदे में ये स्पोर्ट्समैन जो है ना, स्पिरिट होनी चाहिए। वेलकम करें यार, इन मुकदमेबाजी से कुछ नहीं चलेगा। आप भी खर्च हो जाएंगे, हम भी खर्च हो जाएंगे। मैं ये गुजारिश करूँगा अपोजिशन को भी, यार आराम करें, एक साल इंतज़ार करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। देखेंगे कि किसकी वर्किंग अच्छी है, किसकी नहीं है। भट्ट साहब ने कहा कि इनका पुराना तजर्बा नहीं है, तजर्बा इनके साथ चलेगा। और ये पढ़े लिख अपना क्या कहते हैं, कारोबारी लोग हैं, इनको हर वो चीज़ का पता जो हमने करनी है। हम किस लिए बैठे हैं, हम इनके बाजू हैं, हमें हमारे बाजू ये इस्तेमाल करें। जहाँ कमी पेशी आती है हम इनका साथ देंगे। जितने ये फ्रंट पर लोग बैठे हैं, जितने सामने बैठे हुए हैं, ये सब प्रेसिडेंट हैं। हाँ, हमारी कमी बेसी को हो, उसको नाम बताएं कि ये कमी है, ये नहीं है। कुछ लोगों के मतलब भट्ट साहब ने कह दिया कि को नाराज़ है, वो क्यों नाराज़ हैं कि तुम घर बैठे नाराज़ रहो, तो उसका क्या हाल है। बात तो ये है कि एक बंदे को पूछा, यार क्या बात, वो यार आपने तो हमें पूछा ही नहीं, यार हमारा तो कारोबार बड़ा वसी है, हमारे हमने अपना जिन्हें घोड़े रखे हुए हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ऊँट रखे हुए हैं, हमें तो आप मिलते ही नहीं। यार तेरे घर जाके पूछना किसी को। मैं ये समझता हूँ कि किसका भी कोई बंदा एलिजिबल है वेलकम टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अगर वो अपनी एलिजिबिलिटी शो करता है तो वेलकम। रही बात कि बारी बारी हर साल जो है नए बंदे आ रहे हैं। पिछले साल आप देखें तो नए थे, आज फिर देखेंगे आपको नए नज़र आएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर साल जो ना नए बंदे आएँ, ताकि हर बंदे को उसकी बारी मिल जाए। बारी एक ही आती है और बार बार नहीं आती है। एहतियात करें, एक दूसरे पे ब्लेमबाजी से बाहर आएँ, बेहतर माहौल पैदा करें ताकि लोग जो है हमारे साथ जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका जो है झगड़ा ये जो है आगे लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, इंतज़ामिया को, अदलिया को, आगे पीछे सबको जो है ये फ़ायदा पहुँचाता है कि हमारी कसल चलती हो, मैं कुछ कह गया हूँ वो कुछ कह जाए। सो ये कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने इतना बड़ा बंदा बैठा दिया, अल्लाह खैर करेगा, आपकी पूरी खिदमत करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए ऑर्गन प्रेसिडेंट शोएब बट साहब से कहूँगा कि आने वाले प्रेसिडेंट को हार पहनाएं और उनके हैंड ओवर करें। अगले शोएब बट साहब और फैसल आप आ गए हैं, बेटा हार लेके आओ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमैश गुलजार मुगल और वाइस प्रेसिडेंट आदिल नदीम अंसारी साहब को भी शोएब बट साहब ने हार पहना दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ऑफिस बेरर आज अपने ऑफिस का चार्ज संभालेंगे। ये आपके भाई हैं और आपके वोटों से मुंतखब हुए हैं। जरा भरपूर तालियां बजाएं, अपनी मौजूदगी का साथ दिलाएं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का। मैं हॉल में बैठे हुए खुसूसन शुक्रिया अदा करूँगा कि जो हाफिजाबाद से शेख गुलजार साहब अपने दोस्तों के साथ तशरीफ लाएंगे, इससे खैर से आए हैं। अल्लाह पाक उनको जज़ा दे, हमारे खूबसूरत साथी हैं। अब हम आज के नौमुंतखब सदर, जिस तरह शेख नसीम साहब ने कहा कि मेरे अल्लाह ने करम किया, कुछ लोगों के फ़ैसले होते हैं लेकिन अल्लाह के फ़ैसले गालिब होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया और मेरा छोटा भाई फैसल अयूब जियाउल्लाह इस टर्म के लिए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सदर मुंतखब हुआ। अब मैं फैसल को कहूँगा कि आए और हाजिरी से खिताब करें। भरपूर तालियाँ बजाएँगे। मदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। काबिल एहतराम कायदीन वन यूनिटी ग्रुप नौमुंतखब सीनियर नायब सदर जनाब हमेश गुलजार साहेब, नौमुंतखब नायब सदर जनाब आदिल नदीम अंसारी साहेब, नौमुंतखब अरकान मजलिस आमला सबकदोश होने वाले मेरे भाई जनाब मोहम्मद शोएब बट साहब, हाल में तशरीफ़ फरमा मेरे कारोबारी साथियों, मीडिया के साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे और मेरे साथियों को शानदार कामयाबी से नवाजा। वन यूनिट की कायदीन और उनकी टीम ने मिसाली इतिहाद का मुजाहरा करते हुए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बार फिर नया और सुनहरा बाब रकम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन इस लिहाज से भी तरीकी अहमियत का हामिल है कि बिज़नेस कम्यूनिटी के मुंतखब शुदा नुमाइंदे गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे हैं। यहाँ मैं अपने काबिल एहतराम सीनियर लीडरान का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उनकी काबिशों से चैम्बर में जमहूरी अमल का तसलसल अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी और सारी है। आप सब ने जिस इत्मीनान का इजहार करते हुए मुझे अतारे की बतौर सदर खिदमत करने का मौका फराहम किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से वन यूनिटी ग्रुप के मंशूर को आगे लेकर चलते हुए बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करूंगा। मैं यहाँ अपने सबक दोष होने वाले सदर जनाब मोहम्मद की मशावरत से किरदार अदा करना, टैक्स के पेचीदा मसाइल को हल करवा कर कारोबारी अफराद के लिए आसानियाँ पैदा करना। आखिर में अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात ना करूं तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। जनाब मोहम्मद अनवर असलम, जनाब ख्वाजा साइम हसन और बशारत शगीर बट साहबान ने बेहतरीन अंदाज से चैम्बर का इलेक्शन मुकम्मल करवाया, जिसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं इस मौका पर मीडिया का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूं। मीडिया की अहमियत को कतन इनकार नहीं किया जा सकता। चैम्बर और मीडिया का आपस में गहरा और अहम तल्लक है। मेरी दरख्वास्त है कि हमेशा की तरह हमारा साथ दें, इसी में हमारे प्यारे मुल्क की और शहर की बेहतरी है। अब मैं आप सबसे इजाज़त लेकर दुआ गो हूँ कि खुदा हमें आपकी तवक्कात पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। बिजनेस कम्यूनिटी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। में आ गया इधर के जाऊँ कैमरा तो पाते ना हाँ दिशान ओके मैं लाइव आ गया हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नोमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला। मेरे साथ मौजूद हैं आज के और अभी के इस साल के प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसल अयूब, जो किस तरह से आए। सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन के ऊपर कि आज उनकी खुशी बड़ी दीदनी है। उनके चेहरे के ऊपर जो मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ शायद वो मैंने पिछले पूरे साल में नहीं देखी। बताएं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। ये सारा कुछ अल्लाह के इख्तियार है, बंदे के तो इख्तियार ही नहीं है। तो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कायदीन की मेरे साथ मोहब्बत है। जी बहुत शुक्रिया। जुम्मे का टाइम है, मैं इसको मुख्तसर करता हूँ। इंशाल्लाह स्पेशल इंटरव्यू आएंगे फिर दोबारा अल्लाह ने के बाद।